Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार के लिए आज बीजेपी ने भोपाल से रथ रवाना कर दिया है। ये हाईटेक रथ है जो उपचुनाव इलाकों में मोदी और शिवराज सरकार के नीतियों का गुणगान करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इन रथों में सिर्फ शिवराज सिंह बीडी शर्मा का फोटो है, मगर जिन महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरी और बीजेपी सरकार बना पाई, उन्हीं सिंधिया का फोटो रथ में नहीं लगाया गया है। उपचुनाव वाली सीटों पर जनता से सीधे संपर्क बनाने के लिए बीजेपी ने 28 वीडियो रथ आज रवाना किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने झंडे दिखाकर रथों को उनके विधानसभा इलाकों के लिए रवाना किया है, लेकिन इन वीडियो रथों पर कहीं भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो तक नहीं था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में सिंधिया का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो खुद को ग्वालियर का महाराज बताते हुए नजर आए थे। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ने वीडियो रथ पर सिंधिया का फोटो न होने पर तंज कसा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जो वीडियो रथ रवाना किए गए हैं वो ग्वालियर चंबल के 16 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी सरकार और प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। ग्वालियर चंबल सिंधिया के प्रभाव वाला इलाका है, लेकिन उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा तक नहीं है। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी ने अभी तक सिंधिया को मन से पूरी तरह नहीं अपनाया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सिंधिया को बीजेपी में उनकी हैसियत पर विचार करना चाहिए। बीजेपी सिंधिया को लगातार आईना दिखा रही है। वीडियो रथ में भी सिंधिया का फोटो ना रख कर एक बड़ा संदेश दे दिया गया है। वहीं वीडियो रथ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो नजर होने के बाद सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं। सिंधिया ने अन्याय के साथ खिलाफ लड़ी है और बीजेपी के सम्मानित नेता होने के नाते हमारी टीम के अभिन्न अंग है। उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बन रही है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सिंधिया इतने साल तक कांग्रेस में रहे, उनकी लोकप्रियता का कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेती रही। कांग्रेस के कुकर्म के कारण सरकार गिराई तो सिंधिया बुरे हो गए। कांग्रेस के मिनी वचन पत्र में राहुल गांधी की फोटो नहीं होने पर कांग्रेस तंज कसने वाले बीजेपी अब सिंधिया के मुद्दे पर खुद जो है बैकफुट पर आ गई है। इससे पहले होर्डिंग में भी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सिंधिया का फोटो नहीं था। बीजेपी इन वीडियो रथ के जरिए जनता से सीधा संपर्क बनाएगी। पार्टी ने नया स्लोगन दिया है, शिवराज है तो विश्वास है। इस स्लोगन के जरिए वीडियो रथ सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगा। न्यूज रूम से न्यूज लाइव। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.